नमस्ते नमस्ते स्वाति नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते बहुत अनीश। बहुत स्वागत है आप सबका आज के फिर रविवार की सुबह, तो करवा चौथ के सुंदर दिन पे, पूर्णिमा के 4 दिन बाद, जो कि आज करवा चौथ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये प्रेम का, ये प्रार्थना का, ये तपस्या का एक बड़ा सुंदर दिन है। और भारत में ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, तो प्रेम प्रार्थना और तपस्या का दिन मैं मानूंगा इसको। तो इसके साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं स्वाति जी। जी अनिश जी, तो हम जी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ये मीतू पूछ रही हैं, इनका प्रश्न है, जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो यह कृपा है या हमारा प्रयास? ओके मीतु, ये जो जीवन है हमारा, ये हमेशा दो से मिलके बना है, एकाकी नहीं है जीवन। जिस तल पे हम जीते हैं तभी इसको हम द्वैत का जीवन बोलते हैं। ये दो से मिलके बनता है। इस जीवन में सभी कुछ जो भी आप अपने आसपास देखोगे वो दो से मिलके बना है। एक स्त्री पुरुष साथ में आते हैं तो एक बच्चा यानी नए जीवन का निर्माण होता है। फिर दो से मिलके दिन होता है, रात होता है, इन दोनों को मिला के हम एक दिन बोलते हैं। दो से बनाए जीवन। साधना में, भीतर के जगत में कुछ चीजें हैं जो आपके वश में है, आपके कंट्रोल में है, जैसे आपका प्रयास। इसको ऐसा देखें कि अगर आप जब चलते हैं सड़क पे, आपका प्रयास है कि आप एक टांग उठा सकते हैं, बट आप दोनों टांगे एक साथ नहीं उठा सकते, आप गिर पड़ेंगे। तो जीवन एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस है, समन्वय है। ये बैलेंस ही आपको चलाता है। आप ये बैलेंस लूज कर दोगे तो चलना रुक जाएगा। इसी तरह जिसको हम साधना बोलते हैं, जिसको हम ध्यान यात्रा बोलते हैं, जिसको हम भीतर की यात्रा बोलते हैं, ये भी एक बहुत खूबसूरत बैलेंस है। बैलेंस किस चीज का? करने और ना करने का, डूइंग और बीइंग का, प्रयास और प्रसाद का बैलेंस है ये। इसमें कोई एक चीज नहीं चल रही है हमेशा। तो भीतर जब भी आपकी शांति के मोमेंट्स, आपकी शांति के एहसास, शांति के क्षण साधना में चलते चलते जब बढ़ने लगते हैं, तो इसका श्रेय दोनों को जाएगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो और आपके बिना भी कुछ नहीं होगा। तो आपके किए भी कुछ नहीं होगा और आपको करना भी जरूरी है। तो करना प्रिपरेशन मात्र है। अगर प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप फल को ग्रहण करने के लिए तैयारी ही नहीं होगी आपकी। कभी देखा है कि किसी व्यक्ति को, कोई गरीब आदमी है और उसको सडनली करोड़ों का पैसा धन मिल जाए, उसकी प्रिपरेशन ही नहीं है, कैपेसिटी ही, वो उस प्रसाद को, उस धन को रिसीव कर पाए तो वो पागल हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। सो शांति का श्रेय दोनों को जा रहा है, आपके सतत प्रयास को, क्योंकि प्रयास के बिना भूमि नहीं बनेगी। किसान की तरह देखते हैं इसको, किसान प्रयास करता है, और किसान का प्रयास क्या है? भूमि को तैयार करना। किसान का एक ही प्रयास है, भूमि को तैयार करके फिर बीज डाल देना। अब उस बीज में से फसल क्या आएगी वो उसका प्रसाद है। अच्छी आएगी, बुरी आएगी, वेदर साथ देगा नहीं देगा, तूफान आएंगे नहीं आएंगे, अब ये उसका प्रसाद है। मगर उसके बस में है भूमि तैयार करना, और ये उसका धर्म है भूमि तैयार करना। अगर वो भूमि तैयार नहीं किया उसने और ऐसे ही बीज डाल दिए, तो जैसी फसल आनी चाहिए वैसी फसल नहीं आएगी। कहीं 1, 2, 8 दानों में से फसल आ जाएगी, बट पूरी फसल नहीं आएगी पृथ्वी पे। साधना में हम यही करते हैं, अपने प्रयास से हम अपने भीतर की भूमि तैयार करते हैं, अपनी त्रुटियों को देखते हैं, उन पे काम करते हैं, अपने जो भी आपके भीतर सुंदर होता है आप उसको और निखारते हो, और सुंदर बनाते हो। आप बहुत अवेयरफुली जीने लगते हो, आप जीवन के परसेप्शंस को, अपनी दृष्टि को जीवन के प्रति धीरे धीरे ठीक करने लगते हो। आप अपनी बहुत सारी जिन आदतों के आप गुलाम बने हो, वो आज आप धीरे धीरे उन आदतों की लेयर्स को एक एक करके हटाने लगते हो।
ये प्रयास है सारा। इस तरह से जीना, स्वयं को देखना, अपनी त्रुटियों को पकड़ के उनको उनको काटना, ये प्रयास है, ये भूमि तैयार कर रहे हो आप। इसको करने से क्या आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद है। मगर जैसे एक किसान करता है, अगर आपने भूमि तैयार की सही ढंग से, पूरी निष्ठा से, तो फसल अच्छी होगी ही, बहुत चांस है कि फसल अच्छी है। वो प्रसाद की तरह है। तो दोनों प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, आपका प्रयास बहुत जरूरी है भूमि तैयार करने के लिए, मगर सिर्फ उससे आप ये नहीं बोल सकते ईश्वर को, परमात्मा को, कि मैंने इतना प्रयास किया है, अब मुझे फल दो। यू कांट डिमांड दैट, आप ये मांग नहीं सकते परमात्मा से। ये प्रसाद रूपी है, मिला तो मिला। सो बोथ थिंग्स वर्क टुगेदर, प्रयास प्रसाद, ये रास्ता इन दो मार्गों से ही चलते हैं, और ये दो मार्ग साथ में चलते हैं, प्रयास का मार्ग, प्रसाद, प्रयास प्रसाद, ये दो शब्द याद रखिए आप। हाँ, और दोनों प्र हैं, प्रयास प्रसाद, तो कहीं कुछ तालमेल है इन दोनों के भीतर। बिना प्रयास प्रसाद अमूमन नहीं मिलता। एक छोटी सी बात और, बहुत सारे लोगों के जीवन में कभी आप ये देखते होंगे कि बिना प्रयास के प्रसाद मिला है, ऐसा आपकी धारणा हो सकती है कुछ लोगों को देख के। ऐसा क्यों? आप तो सिर्फ उस व्यक्ति के इस जीवन के 2, 4, 8, 10 साल ही देख पा रहे हो, उस व्यक्ति के इस जीवन के पिछले 30, 40 सालों का तो आपको पता नहीं है, उस व्यक्ति के इस जीवन के पीछे के जीवन, पास्ट लाइफ जिसको बोलते हैं, उसके कर्मों का आपको पता नहीं है। ये विंडो बहुत छोटा नहीं है मीतू, ये 2, 4, 5 वर्ष का विंडो विंडो नहीं है, ये एक जीवन का भी विंडो नहीं है, ये विंडो है मल्टीपल लाइफ टाइम्स का। तो कुछ प्रयास जो आपने अपने पूर्व जन्मों में किए हैं, उसका प्रसाद हो सकता है आज आपको मिल रहा है, देखने में लग रहा है प्रयास नहीं किया, बट वो हो चुका है। कुछ प्रयास आपने अपने बहुत शुरू के वर्षों में कर लिया, हो सकता है उसका प्रसाद मिल रहा है, लिंक्ड है ये सारा। तो कभी ऐसी धारणा मत बनाना। कल एक हम कुछ साधकों के साथ एक रिट्रीट में थे, कॉर्पोरेट में, तो वहां ये प्रश्न पूछा मुझसे किसी ने कि बहुत बार लोगों को बिना कुछ किए मिल जाता है और इनको जलन होती है फिर, या इनको लगता है कि प्रयास की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विंडो छोटा है। विंडो का होराइजन बड़ा करो, देख पाओगे तो समझ पाओगे इस बात को कि प्रयास के बिना कभी भी प्रसाद मिला नहीं है। उसका विंडो बड़ा करके देखोगे तो ये बात समझ में आएगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं साधना में स्पेशली मित्र प्रयास धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, एक तमस्सा पकड़ने लगता है, कि कहीं कोई धारणा बन जाती है कि जब मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सतत प्रयास के बीज डलते रहें, फिर एक दिन सुंदर आनंद और प्रेम और शांति की फसल होने लगेगी। आशा करता हूँ ये मदद करेगा आपको। धन्यवाद। ईश्वरी। हमारा अगला प्रश्न शैली पूछ रही है फरीदाबाद से। कह रही है, नमस्ते अनीश जी, ये जीवन एक आनंद है और आपके सत्संग के कारण ये और भी सुंदर हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मुझे लगता था कि मेरी आत्मा मेरे शरीर में है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर मेरी आत्मा में है। यह बदलाव क्यों हो रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शरीर, ध्यान से देखो इस बात को, आपका शरीर बहुत सीमित है, 50 किलो, 60, 70, 80 जितना भी है, बहुत सीमित है। उसका दायरा बहुत सीमित है शरीर का। आत्मा असीम है, और मैं शब्द यूज कर रहा हूं असीम, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप इसको कैद नहीं कर सकते सीमाओं के भीतर। जब तक हम ध्यान के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ते, हमें ऐसा ही लगता है कि शरीर बलवान है, शरीर इज द मेन एंटिटी,
हमारा सारा फोकस शरीर के सुखों पे ही रहता है। शरीर को हम सजा संवार ले, शरीर के सुख भोग ले, शरीर को बचा के रखें। हमारा सारा चेतना शरीर के भीतर सीमित हुई हुई है। हमने अपनी चेतना को बहुत संकीर्ण करके रखा होता है और शरीर के भीतर उसको रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है। तो शरीर हमारा हमारी नजर में बिकम्स द मेजर एंटिटी ऑफ आवर लाइफ और आत्मा उसके भीतर है जो इसको चला रही है। ऐसा हम ऐसे स्पेस में होते हैं साधना से पहले। जब साधना के पथ पे आप आगे चलने लगते हो तो धीरे धीरे जब ध्यान की गहराई आने लगती है, मौन की गहराई आने लगती है, तो आपको एक अनुभव सा होता है कि शरीर तो बहुत छोटा है, क्योंकि शरीर वाकई में ही बहुत छोटा है। उसका दायरा, उसकी लिमिट तो बहुत ही छोटी है, सीमित है बहुत। और धीरे धीरे जो भीतर की चेतना है, जिसको आप आत्मा भी बोल सकते हो, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगती है। ये एक्सपैंडेड है ही, आपको इसके एक्सपेंशन का, इसके विस्तार का अनुभव होने लगता है। और उस अनुभव के चलते आपको ऐसा दिखना लगता है कि अरे, आपकी चेतना, आपकी आत्मा तो बहुत विस्तारित है और शरीर तो बहुत छोटी एंटिटी रह गया। आप शरीर की डायमेंशंस को या शरीर की सीमाओं को लांघने लगते हो। आप जीवन को शरीर के परे अनुभव भी करने लगते हो, क्योंकि अनुभव आपको शरीर के तल पे हो नहीं रहा असलियत में। अनुभव आपको चेतना के तल पे होता है हमेशा से, बट पहले आपने चेतना को बांध लिया था शरीर के भीतर। साधना, ध्यान एक्चुअली क्या है मालूम आपको? ये एक प्रोसेस है विस्तारित होने का, एक्सपेंशन का प्रोसेस है। आपकी चेतना एक्सपैंड करने लगती है, आपकी बुद्धि एक्सपैंड करने लगती है, आपका हृदय एक्सपैंड करने लगता है। तो आपको ऐसा महसूस होगा ही, ये तो बहुत सुंदर हो रहा है, फल है, प्रसाद मिल रहा है आपको, कि आपको ये अनुभूति हो रही है कि आत्मा बहुत बड़ी है और शरीर उसके भीतर छोटा सा है। बहुत सुंदर है ये शरीर, बहुत सुंदर है। आगे चलते चलते आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि आपकी चेतना स्लैश आपकी आत्मा इतनी विस्तारित है कि पूरा जगत उसमें समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। जब हम कृष्ण की कहानी पढ़ते हैं और उस कहानी में आता है कि कृष्ण ने मुंह खोला अपना माता के सामने और उनके मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ कृष्ण की माँ को, वो इसी बात का सूचक है कि पूरा ब्रह्मांड आपकी चेतना आपकी आत्मा के भीतर समाया हुआ है। आपकी चेतना आत्मा का विस्तार इतना बड़ा है, अनंत विस्तार है, ये असीम है। बट हमारी संकीर्ण सोच, संकीर्ण बुद्धि, हमारी अटैचमेंट इस शरीर के साथ, हमारा इस शरीर को ही सब कुछ मान लेना, हमारी चेतना हमारी आत्मा को बहुत छोटा संकीर्ण बना देता है। और आदमी ऐसे जीता है कि बस मैं मेरा और मैं इसको किसी तरह से बचा लूं, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरा धन, मेरा सुख, मेरे भोग, वो इसको पकड़ के बचा के रखना चाहता है शरीर के भीतर। और विस्तार हो नहीं पाता फिर उसका, सिर्फ विचारों में विस्तार हो पाता है। ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को, विस्तार फिर सिर्फ विचारों में हो रहा है, चेतना के तल पे नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे साधकों से मैं मिलता हूं जिनके भीतर चेतना के तल पे विस्तार नहीं हो रहा, विचार के तल पे विस्तार हो रहा है। प्रॉब्लम है ये, आप सिर्फ सोच सोच के उस विस्तार की कल्पना कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो कल्पना सत्य है। कल्पना सत्य नहीं है, वो विचारों की कल्पना है, वो स्वप्न की कल्पना है, वो सत्य नहीं है। तो सत्य इस अनुभव ने, जो आपने अनुभव शेयर किया, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण अनुभव है सभी साधकों के लिए। कुछ रोज पहले एक साधक मित्र ने पूछा मुझसे, साधना में मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसका मापदंड क्या होगा? ऑफ कोर्स बहुत सारे इसके मापदंड हैं। मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, इसके बहुत सारे मापदंड हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड आपका अनुभव, जो भी आपने मुझसे शेयर किया, जो प्रश्न पूछा आपने, कि भीतर चेतना आत्मा विस्तारित होने लगेगी, उस विस्तार में सब शामिल होने लगेगा, सभी लोग आसपास के, वासुदेव कुटुंब की जो हम बात करते हैं, सभी लोग आपके आसपास के, सिर्फ आपके इमीडिएट परिवार के नहीं,
सड़क पे चलता एक अननोन व्यक्ति भी आपको अपना ही, अपना प्रियजन ही लगने लगेगा। समथिंग इज एक्सपैंडिंग इन साइड यू, एक विस्तार हो रहा है, इस विस्तार में सभी इंक्लूड हो रहे हैं। तो शब्द यहां है इंक्लूसिव, सब इंक्लूड होते जा रहे हैं आपके भीतर, सब अपना सा लग रहा है। आप पृथ्वी के किसी शहर पे जाओगे, आपको अपना सा लगेगा, अनजान नहीं लगेगा, ना कोई व्यक्ति अनजान लगने लगेगा, ना कोई स्पेस यानी कोई शहर कोई जगह अनजान लगने लगेगी, ना कोई और जीव जंतु अनजान लगने लगेगा, ना वृक्ष अनजान लगने लगेंगे, या नदियां अनजान लगने लगेंगी। ये सब आपको स्वयं का लगने लगेगा। ये पूरी पृथ्वी मेरी ही तो है, ये सभी जीव मेरे ही तो हैं, मेरा ही अंश है इनके अंदर। ऐसा एक्सपेंशन प्रतीत होने लगेगा, ऐसा इंक्लूसिवनेस प्रतीत होने लगेगा। बहुत शुभ है शैली। शरीर की लिमिटेशंस के बियॉन्ड आप चेतना को अनुभव कर पा रहे हो, वेरी ब्यूटीफुल। ये सूचक है, ये एक मापदंड है साधना की गहराई का, कि साधना में गहराई आ रही है, वेरी ब्यूटीफुल। इसका इसका अपने गुरु को, अपने ईष्ट को इसका धन्यवाद सतत अपने मन में देते रहना। पिछले प्रश्न में जैसे मैंने बोला, आपने प्रयास किया है साधना, किया ही होगा कभी तो, और ये जो एक्सपेंशन का अनुभव हो रहा है ये प्रसाद है, हक नहीं है आपका, ये आपका राइट नहीं है, ये प्रसाद है। और प्रसाद के लिए सतत मन में धन्यवाद का भाव रहे अपने गुरुओं के प्रति, अपने ईष्ट के प्रति, अपने संघ मित्रों के प्रति, क्योंकि ये उन्हीं के कलेक्टिव ब्लेसिंग का एक परिणाम है ये, जो ये आपको फल मिल रहा है। बहुत सुंदर है शैली, बहुत सुंदर है। मेरा आशीर्वाद आपको कि ये चेतना आत्मा का विस्तार बढ़ता रहे, ये यात्रा अनंत है, ये विस्तार भी अनंत है, बढ़ता रहे, और फिर जीवन में हर पल और आनंद की लेयर्स आने लगेंगी। हाँ, सो विद दैट होप इट मेक सेंस। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी स्वाति। जी, धन्यवाद श्री जी। अब हम हमारा अगला प्रश्न जो आदित्य जी पूछ रहे हैं दिल्ली से, ये पूछ रहे हैं, मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ, ऐसे में मन और शरीर का गुण ही मेरा गुण बन जाता है। ऐसे में खुली आंखों की अवस्था में भी मैं मन और शरीर से कैसे दूरी बनाऊं? आदित्य, अच्छा और सत्य प्रश्न है आदित्य। ये पहला लाइन आपने जो लिखी उसमें, मैं स्वयं को नहीं जानता, बिल्कुल ठीक। हम अभी स्वयं को, अपने असल स्वभाव को नहीं जानते, गहरा मामला है ये। और इसलिए हम मन और शरीर से ही बंधे रहते हैं और उसी को अपना सत्य मानते हैं। जैसा मैंने भी बोला, शरीर के सुख, शरीर के प्लेजर, शरीर के कंफर्ट, पूरा जीवन इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। और मन की सिक्योरिटीज, पूरा धन अर्जित आदमी इसीलिए कर रहा है, बैंक बैलेंस बनाता है कि वो मन में एक सिक्योरिटी का भाव आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति अभी अपने रियल असल स्वरूप को नहीं जानता, उसके लिए अभी शरीर और मन ही उसका स्वरूप है। आपने पूछा, मैं खुली आंखों से इस शरीर और मन के तादात्म्य से परे कैसे जाऊं, क्योंकि स्वयं को तो जानते नहीं, ठीक। बट कहीं ये तो हम जानते हैं कि किसी तल पे मैं मन और शरीर नहीं हूं, हमने ये सुना तो है। अब इसका अनुभव देख लेते हैं एक बार। आप जिस चीज को देख सकते हो, आप वो नहीं हो। सूत्र ध्यान से समझना इस बात को, ये समझ लो मेरे हाथ में एक किताब है, मैं इस किताब को देख सकता हूं, आई एम एबल टू सी दिस। मैं थोड़ा सा वेदांत की तरफ जा रहा हूं, ये बहुत सुंदर है, सटल है, पकड़ने की कोशिश करना है इसको। मैं इस किताब को देख पा रहा हूं, मैं अभी मैंने स्टेटमेंट बोली, मैं जिस चीज को देख पा रहा हूं वो मैं नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं। तो क्या मैं ये किताब हूं? नहीं, मैं ये किताब नहीं हूं, क्योंकि मैं इसको देख पा रहा हूं, ठीक।
मैं बाहर के वृक्ष को देख पा रहा हूं, तो क्या मैं वो वृक्ष हूं? नहीं, मैं वो वृक्ष नहीं हूं, क्योंकि मैं उसको देख पा रहा हूं, वो मेरे बाहर हो गया। ठीक, अब मैं अपने शरीर को देख पा रहा हूं, ये मेरा हाथ, ये मेरी बाजू, ये मेरी टांग। मैं जिस चीज को देख पा रहा हूं मैं वो नहीं हूं, तो मैं इस शरीर को देख पा रहा हूं तो मैं ये शरीर तो नहीं हूं। मैं देख पा रहा हूं, मैं देखने वाला हूं, तो मैं ये शरीर नहीं हूं। अपनी, अब मैं शरीर के साथ इंद्रियों पे आता हूं, अपनी इंद्रियों से मैं इस जीवन को अनुभव करता हूं, जैसे ये मेरे पास पानी का कप। अपनी स्वाद की इंद्री से, टेस्ट और टच की इंद्री से मैं ये पानी का एक घूंट पीता हूं, और मेरी इंद्री ने कहा पानी मीठा है, और मैं इस पानी के मिठास को देख पा रहा हूं और अपनी इंद्री को देख पा रहा हूं कि जब ये पानी गया जिह्वा पे तो जिह्वा ने देखा कि ये मीठा है, तो मैं अपनी इंद्री को भी देख पा रहा हूं, अपनी टेस्ट बड्स को मैं देख पा रहा हूं, मैं महसूस कर पा रहा हूं। राइट, जिस चीज को मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मैं वो नहीं हूं। तो यानी अब मैं अपनी पांच इंद्रियां भी नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी पांचों इंद्रियों से जो अनुभव मिल रहा है मैं उसको देख पा रहा हूं, तो मैं इंद्री भी नहीं हूं। अब इंद्री के पीछे जो इंद्रियों से अनुभव आ रहा है, जैसे मैंने बोला पानी मीठा है, मैं इस अनुभव को देख पा रहा हूं कि अरे वाह पानी मीठा है, इस अनुभव को मैं देख लिया, महसूस कर लिया, तो मैं ये अनुभव भी नहीं हूं, क्योंकि लॉ से जो चीज आप देख पा रहे हो आप वो नहीं हो, आप देखने वाले पे आ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब शरीर की लेयर तो खत्म हो गई यहां पे, अब मन की लेयर पे आते हैं। इस समय मेरे यहां बैठे बैठे मेरे भीतर एक विचार आया कि अरे कितना सुंदर मौसम है, सत्संग के बाद थोड़ा टहलने जाऊंगा। विचार, अब इस विचार को मैंने देख लिया कि मुझे ये विचार आया, तो जिस चीज को मैं देख पाया वो मैं नहीं हूं, तो यानी ये विचार भी नहीं हूं मैं। ये विचार कहां उत्पन्न हो रहे हैं? ये मेरे भीतर, मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। ओ अभी मेरा मन सैड हो गया, दुखी हो गया। ओ अभी मैंने एक दृश्य देखा, मेरा मन बहुत आनंदित हो गया। तो मैं इन दृश्यों को देख के सुख और दुख को महसूस कर पा रहा हूं, मन के विचारों को, मन के इमोशंस को देख महसूस कर पा रहा हूं। तो या तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि मैं अपने विचारों को देख रहा हूं तो मैं विचार भी नहीं हूं, मैं अपनी भावनाओं को देख रहा हूं तो मैं अपनी भावनाएं भी नहीं हूं, और विचार और भावनाओं का जो तल है मन, मैं उसको देख पा रहा हूं, उसके गेम्स को देख पा रहा हूं, जैसे वो मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करता है मैं उसको भी देख पा रहा हूं, तो यानी मैं मन भी तो नहीं हूं। हेंस प्रूफ्ड। तो ये नेति नेति का प्रोसेस हो गया, नकारने का प्रोसेस हो गया। आदित्य, आप एक एक डायमेंशन को पकड़ के उसको नकारते हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, इस लॉ को, इस नियम को बांध लेते हो कि आदित्य जो तुम देख और महसूस कर पा रहे हो तुम वो तो नहीं हो, इसके पीछे की अब तुम लेयर पे आ जाते हो, तो फिर मैं हूं कौन? इन सारे एग्जाम्पल्स में एक ही चीज कॉमन है अगर तुम ध्यान से समझो तो, और वो चीज कॉमन है देखने वाला। तुम्हारे भीतर कुछ बैठ के देख रहा है ये शरीर को, इस मन को, इन इंद्रियों को, इंद्रियों के अनुभव को, विचारों को, भावनाओं को, तुम्हारे भीतर कोई बैठ के ये सब देख रहा है। कुछ कह नहीं रहा, वो कह तो मन रहा है, इंटरफेयर तो मन कर रहा है, बट कोई तुम्हारे भीतर इस सब को बैठ के बस देखता है। जैसे अब तुम रात पे आ जाते हैं, अब हम तुम रात को सोते हो, नींद में गहरे उतरे, स्वप्न आया, बड़ा कुछ हो रहा है उस स्वप्न में, सुखद दुखद बड़ा कुछ हो रहा है, तुम उस स्वप्न को देख पा रहे हो, तभी स्वप्न टूटते ही तुम्हें लगता है हाँ वो अनरियल था क्योंकि मैं देख रहा था उसको। और कभी कभी स्वप्न देखते देखते तुम्हें याद आ जाता है कि तुम स्वप्न देख रहे हो, यस, तभी स्वप्न टूट जाता है, देखने मात्र से वो सपना टूट जाता है, तो तुम्हें रियलाइज हो जाता है ओ दैट वाज नॉट रियल, सिर्फ एक सपना था। ठीक,
अब तुम तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हो रात को, जो है डीप स्लीप स्टेट, कॉन्शियसनेस की तीसरी अवस्था, गहन निद्रा, ड्रीमलेस स्लीप, जिसमें स्वप्न भी नहीं आता। उसमें तुम्हारे भीतर कुछ काम ही नहीं कर रहा, बाहर की इंद्रियां बंद, भीतर की इंद्रियां भी, पंच इंद्रियां भीतर भी हैं वो भी बंद, एवरीथिंग इज शट डाउन एंड यू एंटर इनटू डीप स्लीप। अब जब तुम उस गहरी निद्रा से उठते हो सुबह, तो तुम बोलते हो अरे यार कमाल हो गया, मजा आ गया, रात को ऐसा सोया जैसे सदियों से नहीं सोया, गुम, जिसको बोलते हैं गुम सोया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं, मुझे समय का कोई बोध ही नहीं रहा, आई वॉज नॉट देयर। वेरी गुड। अगर तुम उस समय गुम थे, तो सुबह उठ के कौन डिक्लेयर कर रहा है कि रात को मुझे बहुत गहरी नींद आई? तुम तो थे नहीं। यानी अभी भी तुम्हारे भीतर कोई एक ऐसा है जो उस गहरी नींद को भी महसूस कर रहा था जब तुम रात को सो रहे थे। यानी कुछ चेतना में एक ऐसा था जो उस समय भी देख रहा था, जागा हुआ था। अब हम अपने मूल अवस्था पे आने लगे। जितना तुम इसको पकड़ोगे, उतना तुम अपनी मूल अवस्था में आओगे, क्योंकि ये तुम्हारी मूल अवस्था है, ये तुम हो, सतत जागे हुए, सतत देखते हुए, ये तुम्हारी रियल अवस्था। तभी बोल रहे हैं, तभी बोल रहे हैं बुद्ध भी बोल रहे हैं, कृष्ण भी बोल रहे हैं कि योगी वह है जो सोते हुए भी जागता है। क्या मतलब इस बात का? ऐसा गीता में कृष्ण भी बोलते हैं कि जो सोते हुए भी जागता है वह योगी है। What does it mean? वो इस देखने वाले की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे तुम जाग जाग के सो, वो इस देखने वाले की बात कर रहे हैं कि ये तुम हो जो स्वप्न भी देखता है, जो जागृत में भी सब देख रहा है, और जो गहरी निद्रा में भी सब देख रहा है कि मैं गहरी निद्रा में सोया, वो सबसे पीछे बैठ के सिर्फ दृष्टा, वॉचर, सब देखता है वो। तो उस तक आने के लिए ये एक बड़ा सुंदर वेदांत का नीति नीति का प्रोसेस है कि जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, वो मैं नहीं हूं। नेति नेति, आई एम नॉट दैट। अब अगर तुम इसको रोजमर्रा के अनुभव में लगाने लगोगे, कभी याद रहेगा कभी नहीं रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। तुम्हारे किसी प्रियजन ने तुम्हारा अपमान कर दिया, मेरा अपमान हो गया, दुख ने पकड़ा, क्रोध ने पकड़ा, मेरा अपमान कर दिया, उस समय अगर इस सूत्र को पकड़ लिया, अरे मैं इस अपमान को देख पा रहा हूं, इस अपमान से जागे दुख को देख पा रहा हूं, इस अपमान से जागे क्रोध को देख पा रहा हूं, ये तो सपना था, जो मैं देख पा रहा हूं वो सपना है, मैं तो हूं नहीं वो, ये तो फिल्म है जो मैं देख रहा हूं, अभी तुम मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये फिल्म चल रही है तुम्हारे सामने, ये तो सपना है, इस समय मैं सपना हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम मैं नहीं हूं, तुम देखने वाले हो। तो अपमान हुआ, क्रोध आया, दुख आया, मैं देख रहा हूं, वाह, और जो देख रहा हूं दृश्य सपना है। क्यों दृश्य सपना है? क्योंकि दृश्य सतत बदल रहा है, दृष्टा देखने वाला तो वही बैठा है, एक फिल्म चल रही है स्क्रीन पे, हर 30 सेकंड में या 15 सेकंड में या 3 सेकंड में उसका फ्रेम बदलता है, यू आर नॉट द फ्रेम। तो इस शरीर का फ्रेम बदल रहा है, अभी ऐसी मुद्राएं कर रहा हूं, अभी ऐसी मुद्रा करके बैठ गया, ये तो फ्रेम बदल रहा है, तो ये तो मैं हो नहीं सकता, ये तो फ्रेम हुआ, ये विचार आया, अनदर फ्रेम, तो ये फिल्म। ध्यान रखना इस बात को, सब सब जो तुम्हारे बाहर घट रहा है और सब जो तुम्हारे मन में घट रहा है, ये सारी फिल्म है। फिल्म को फिल्म की तरह देखो तो बड़ा मजा आएगा, और फिल्म में फंस गए अगर आप, फिल्म से तादात्म्य हो गया आपका, तो फिल्म से जुड़े दुख और सुख को भोगना पड़ेगा, सपने के दुख सुख को भोगना पड़ेगा जो रियल में है नहीं। तो ऐसे एक एक कदम चलोगे, तुम स्वयं के सत्य स्वरूप पे आने लगोगे।
और वहां स्थित होने लगोगे। और आदित्य आनंद, अनकंडीशनल आनंद जिसको बोले, जिसकी कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल प्रेम, भय मुक्तता वहां है। उस बिंदु पे खड़ा ये सब, उस एक बिंदु पे ही सारे जगत का प्रेम टिका है, उस एक बिंदु पे ही सारे जगत का आनंद टिका है, सारे जगत की शांति टिकी है, सारे जगत का भय मुक्तता टिकी है उस एक बिंदु पे। तो धीरे धीरे एक एक कदम चलो, उस बिंदु तक पहुंचो। और मजे की बात है, जितना सपने से तादात्म्य टूटने लगता है उतना तुम फ्री अनुभव करने लगते हो, सेंस ऑफ लिबरेशन स्टार्ट्स टू कम। सो विद दैट आई होप इट मेक सेंस। धीरे धीरे इसको अरे तो तुम तो जरूर दोबारा सुनना और इस प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करना, ये मुक्त करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्री जी जी। अब हम हमारा अगला प्रश्न लाइव क्वेश्चन है, प्रकाश जेठवानी जी ने पूछा है वो, और ये पूछ रहे हैं अपने जीवन के पर्पस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहला सुंदरता तो इसमें यही है कि ये प्रश्न आया कि भाई जीवन का कोई पर्पस भी होगा, तो इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अमूमन तो हम वो प्रयास भी नहीं करते, पता ही नहीं जीवन का पर्पस है। मजे की बात, कल ही की रिट्रीट में एक मित्र ने ये प्रश्न भी पूछा कि वाकई जीवन का पर्पस है क्या। तो मैंने उनको बोला कि इस कप का कोई पर्पस है? उन्होंने कहा हाँ पर्पस है, इस कप का पर्पस है। तो मैंने कहा ये मेरे सामने माउस पड़ा है, इस माउस का पर्पस है? हाँ हाँ पर्पस है। बाहर वृक्ष है, उसका पर्पस है? हाँ हाँ वृक्ष का पर्पस है, वो छाएं देता है, फल देता है। हाँ पानी गिरता है तो उसको परकुलेट डाउन पृथ्वी में करता है, पर्पस पर्पस। जब इस पृथ्वी पे हर चीज का कोई ना कोई पर्पस है तो तुम्हारे जीवन का भी तो होगा। तो सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि यस कोई पर्पस है जीवन का, आइडेंटिफाई कैसे करें। मैं वही जवाब दूंगा जो कल मैंने उस मित्र को दिया। अपनी बुद्धि से आइडेंटिफाई करना अपने पर्पस को अमूमन मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स छलावे करती है। आज तुम्हें इधर चलाएगी, कल तुम्हें उधर ले जाएगी, फिर वहां जाओगे तो बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं, यहां चलना चाहिए। तो वो उस चौक से, उस क्रॉसिंग से तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। तुम 10 कदम सीधी दिशा में बढ़ोगे तो फिर बोलेगी नहीं नहीं 10 कदम उल्टी दिशा में बढ़ो। ये बुद्धि का काम। कुछ विरले होंगे जिनको स्वतः ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा स्वतः। जैसे कौन है ये विरले लोग? एग्जाम्पल देता हूं, पकड़ पाओगे। गुरु नानक, स्वतः समझ में आ गया जीवन का पर्पस। गाऊंगा, वाणी कीर्तन गा गा के लोगों के हृदय में ईश्वर प्रेम जगाऊंगा, चलता रहूंगा, जो सत्य मेरे भीतर घटा है इस सत्य को पूरे जगत में बांटूंगा। समझ में आ गया। बुद्ध परिवार में थे, समझ में आ गया ना जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये तो नहीं हो सकता, खाओ पियो मौज करो, बच्चे पैदा करो, राजपाट बनाओ, बहुत सारा ऐशो आराम का सामान जुटाओ, फिर वृद्ध हो जाओ, फिर बीमार हो जाओ, फिर मर जाओ, ये उद्देश्य नहीं हो सकता जीवन का। ये बात बुद्ध को समझ में आ गई, और ये बात समझ में आते ही जीवन के असल उद्देश्य को खोजने चल पड़े, और मिला उनको जीवन का असल उद्देश्य। और फिर दूसरा उद्देश्य बना, असल उद्देश्य मिलने के बाद एक दूसरा उद्देश्य मिला कि अब जो ये ज्ञान मेरे भीतर घटा है, ये हर इस पे हर मानव का अधिकार है, ये मेरा नहीं है सिर्फ, पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का अधिकार है इस ज्ञान पे, इस आनंद पे जो मुझे मिला है। मैं इसको स्वयं अपने पास नहीं रख सकता, इसको बांटना होगा, क्योंकि अधिकार सबका है इस पे, इसलिए बांटना होगा। तो बुद्ध को उद्देश्य मिला, बांटने निकल गए। स्वामी विवेकानंद, जब रामकृष्ण परमहंस से मिले स्वामी विवेकानंद, पहले तो उनके भीतर बड़े प्रश्न थे, जानना चाहते थे कि ये आदमी कुछ जानता भी है क्या,
रामकृष्ण बातें तो कर रहे हैं, बट इनके भीतर इनको दर्शन हुए ईश्वर के कि नहीं? और जिस दिन ये बात सब सिद्ध हो गई विवेकानंद को, यानी नरेंद्र नाथ को, कि रामकृष्ण के भीतर परमात्मा नहीं है भाई, ये खुद ही परमात्मा है, उस दिन नरेंद्र नाथ का उद्देश्य क्लियर हो गया, पर्पस, कि नो मैटर व्हाट, जीवन जाए तो जाए, इस आदमी का साथ नहीं छोड़ूंगा मैं, ये जीवन का पर्पस बन गया, उद्देश्य बन गया, कि ये जो गुरु मिल गया अब जान की बाजी लगेगी, अब ये गुरु संघ नहीं छूटेगा, क्योंकि इस गुरु संघ से ही ईश्वर संघ मिलने वाला है मुझे, ये बात तो उद्देश्य बन गया जीवन का, रामकृष्ण 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 ही जीवन का उद्देश्य बन गया, उठते जागते सोते ख्याल आता है, सपने आते रामकृष्ण के, कहीं बाहर देश जाते हैं खींचते हैं रामकृष्ण की यादें उनको वापस, की नहीं गुरु के पास जाना है। और फिर रामकृष्ण ने ही नरेंद्र नाथ, जो कि अब स्वामी विवेकानंद बन गए थे, अब रामकृष्ण ने यानी गुरु ने शिष्य को एक नया पर्पज दे दिया, शिष्य का पर्पज हुआ गुरु, और गुरु ने फिर बाद में शिष्य को एक प्रैक्टिकल पर्पज दे दिया कि विवेकानंद जा भारत में, देख देख भारतवासियों की हालत, और अब जा विदेश, कर कुछ इन लोगों के लिए, क्योंकि जो गुरु तप गुरु साथ तुझे मिला विवेकानंद, उसपे भी सबका ही अधिकार है, सिर्फ तेरा नहीं, जो गुरु दीक्षा तुझे मिली है उसपे भी सबका अधिकार है, और सबका अधिकार है तो बांटना पड़ेगा, तो जा विवेकानंद बांट इसको, तो निकल पड़े। तो ये पर्पस गुरु ने शिष्य को दिया। मैं ये सारे एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप देख पाओ किसी में पर्पस स्वतः है घटा, और ये सभी विरले लोग हैं। तो पहले मैं तुम्हें विरले लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी बुद्ध में, किसी नानक में पर्पस स्वतः घटा, किसी विवेकानंद में पर्पस घटा गुरु को देख के, गुरु के समीप जाके, और किसी विवेकानंद को पर्पस फिर दिया गुरु ने, बट ये सब विरले लोग लाखों करोड़ों में एक जैसा। क्या तुम भी वैसे हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो, पूरी प्रतिभा है हम सबके भीतर ऐसा होने की, मगर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो क्या मार्ग है? तो भी मार्ग है, और मार्ग भी बड़ा सिंपल है, अपने पर्पस को कैसे पहचाने का मार्ग भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम सत्संग और साधना के विषय पे बात कर रहे हैं, तो मैं संसार का विषय या संसार का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें साधना का ही अनुभव का एग्जाम्पल दूंगा, कि अपने इष्ट को पहचानो, अगर हैं तो बहुत सुंदर, नहीं है तो पहचानो, कौन तुम्हारे इष्ट? शिव है, माँ शक्ति है, कृष्ण है, राम है, हनुमान, गणपति, कौन है तुम्हारे इष्ट? पहचानो, पहला इष्ट पहचानने के बाद अपने गुरु को पहचानना, किसको गुरु मान रहे हो, किसको गुरु बोल रहे हो, कौन तुम्हारा गुरु, किसके कदमों में सर झुक ही जाता है अपने आप, झुकाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, कौन तुम्हारा गुरु, गुरु पहचान लेना। तीसरा संग, साधु संग जिसको हम बोलते हैं, अपनी संगत को, अपनी साधु संगत को पहचान लेना, नहीं है तो बना लेना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा साधु संग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसी स्वामी विवेकानंद की तरह तुम्हारे पर्पस को भी तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सामने लाके रख दिया जाएगा तुम्हारा पर्पस, तुम्हें बस स्वीकार करना होगा उसको, उस समय बुद्धि मत लगाना अपनी कि मैं क्यों करूं, मेरा कंफर्ट जोन ऐसा वैसा, ये बुद्धि मत लगाना, इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य के द्वार तक ले आए, वो बस तुम्हारा काम अब चलना उसको लेके आगे। दिस इज हाउ इन द स्पिरिचुअल रियाम, साधना पथ पे तुम अपना पर्पस इस तरह से ढूंढते हो, साधना पथ पे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुम्हारा प्रश्न साधना पथ के पर्पस का होगा, तुम मुझसे वो नहीं पूछ रहे कि क्या धन कमाना मेरा पर्पस है, मान सम्मान कमाना मेरा पर्पस है, शायद तुम वो नहीं पूछ रहे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न एक लाइन का था। होप इट हेल्प्स, इस पे सोचना, चिंतन मनन करना इस पे।
क्योंकि बिना जीवन के उद्देश्य को जाने आदमी पूरा जीवन बस अपने ही मन के जालों में फंस के बर्बाद करता है। और ये मन के जाल कभी देखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं, बड़े मनमोहक से जाल बनाता है मन, बट उद्देश्य को छोड़ के अगर मैं मनमोहक जालों में भी फंस गया तो मानना जीवन असफल रहा, वेस्ट हो गया, कुछ करने आया था कुछ उलझ गया कहीं और, क्योंकि करने आए थे कुछ विद अ स्पेसिफिक पर्पस। तुम बहुत एक स्पेसिफिक रीजन और पर्पस के साथ पैदा किए गए हो यहाँ पे या पैदा हुए हो। ये रैंडम नहीं हो गया कि बस दो लोगों ने संभोग किया तुम्हारा जन्म हो गया, ये रैंडम नहीं है। तुम्हारे इस पृथ्वी पे आने के पीछे तुम्हारे ही पिछले जन्मों का एक उद्देश्य था जो उस समय पूर्ण नहीं हुआ, तुमने कहा दोबारा आऊंगा इसको पूर्ण करना है। और ईश्वर भी तुम्हें फिर आज्ञा देता है, जा ये जो रह गया ना अधूरा पूर्ण कर जाके इसको, और आ जा लौट आ फटाफट से लौट आ मेरे पास, मैं तेरी प्रतीक्षा में हूं, ऐसा ईश्वर तुम्हें बोल के भेज रहे हैं। बट वो करने की बजाय माया जाल, वी स्टार्ट टू गेट स्टक इन द माया जाल, अपने शुद्र से छोटे छोटे एम्बिशंस का माया जाल, अपनी छोटी छोटी डिजायर्स का माया जाल, एंड ऑफ लाइफ। सोचना गहरा विषय, तुमने गहरा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, अच्छा किया, सभी के लिए बहुत जरूरी था इसको समझना जानना, इस पे और चिंतन मनन करना, मेडिटेट ऑन दिस, कुछ और लेयर्स निकलेंगी इसमें से। धन्यवाद जी स्वाति। एक प्रश्न और ले जी सकते हैं, जी श्री जी, हम एक प्रश्न और ले लेंगे। अगला प्रश्न भी लाइव प्रश्न है, मोहित जी पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं, रात को मैं जाग कर सोने की कोशिश काफी सालों से कर रहा हूँ, पर या तो नींद आ जाती है या पूरी रात की नींद उड़ जाती है, या कभी मन बीच में आ जाता है और आधी रात में बेचैन हो जाता हूँ। इसके लिए क्या कर सकते हैं? मोहित ने पूछा। अच्छा मोहित जी, आटा देखा है आटा आपने? आटा, मैं आपको आटा देता हूं और बोलता हूं जाओ इसको रोटी बना के लाओ, और तुम वही कच्चा आटा ले जाते हो पाउडर फॉर्म में और उसको तवे पे सेकने लगते हो, रोटी बनेगी क्या? क्या बेवकूफी कर रहे हो मोहित, तुम अंत का काम पहले क्यों कर रहे हो? अरे भाई आटे को गूंथ तो लो पहले, उसको रोटी बनाने लायक तो बना लो, तो जाओगे उसको सेकने के लिए। कहने का भाव हुआ, दिन में तो जागरूकता सीख लो पहले, खुली आंखों से जागने का तो पहले अभ्यास प्रयास करो, फिर नींद में करना ये अभ्यास। अभी तो क्या तुम खुली आंखों में जाग गए हो? लगता है आंख खुली है बट क्या जागे हो? दो अलग चीजें हैं ये। आंख खुली होना जागने का तो प्रतीक नहीं है मोहित। कैसे? कितनी बार नहीं होता दिन में तुम्हारी आंख खुली है, भोजन देख रहे हो, भोजन खा भी रहे हो आंख को देखते देखते, बट विचार चल रहा है किसी व्यापार का, किसी दोस्त का, किसी जगह का, किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, आंख तो खुली है बट जाग थोड़ी रहे हो भोजन के प्रति, भोजन के प्रति तो सोए हुए हो। क्या स्वाद था, कितना खाया, कितना नहीं खाया, कितना चबाया, कितना नहीं चबाया, नो आइडिया। तो आंख तो खुली थी बट भोजन के प्रति जागे नहीं हुए थे, भोजन के प्रति और भोजन के प्रोसेस में तो सोए हुए थे। तो पहले आंख खुले खुले तो जागने का अभ्यास और प्रयास करो। जिस दिन ऐसी अवस्था घटने लगेगी मोहित कि आंख खुले हुए मैं जागा हुआ हूं, ये बात मेरे स्टेटमेंट्स को पकड़ लेना, ध्यान से गुथ लो इनको। जिस दिन ऐसा प्रयास और अभ्यास होने लगे
और ये अभ्यास फलित होने लगे कि आंख खुले हुए मैं जागने लगा हूं, तब ऐसी अवस्था आएगी या तब तुम ये नया प्रयास और अभ्यास शुरू करोगे कि अब आंख बंद में भी जागने का अभ्यास करूं। बहुत बाद की अवस्था है, पीएचडी लेवल। अभी हम क ख ग की बात कर रहे हैं, थोड़ा एबीसी समझ लें, थोड़ा सेंटेंसेस बनाना सीख लें, थोड़ा शब्द बनाना क ख ग से सीख लें, यानी दिन में खुली आंख से तो जागृत होना सीख लें पहले मोहित, फिर दूसरी बात आएगी। समझना इसको, जल्दबाजी मत करो, किसी की बात सुन के ऐसे बहुत एक्साइटेड मत हो जाया करो, ओ आज मैंने सुना कि कृष्ण ने बोला योगी वह है जो रात को सोता हुआ भी जागता है, तो मुझे भी योगी बनना है। मत बनो, तुम दिन के योगी बन जाओ, फिर हो जाएगा रात के योगी बनने का काम, पहले दिन में योगी बनो। जिस समय आंख खुली उस समय बस वहीं रहना, अपने तन और अपने मन को एकाग्र कर देना। अभी तुम्हारा तन कुछ काम करता है, तुम्हारा मन कहीं और होता है, ये दोनों टूटे हुए हैं, खंडित हैं ये दोनों। तुम्हारा तन यहां पे है, तुम्हारा मन कहीं और, खंडित है ये दो यूनिट्स काम कर रहे हैं तुम्हारे भीतर अभी, और ये दोनों यूनिट्स के अंदर बहुत झगड़ा चल रहा है, यानी सोए हुए हो, शरीर के तल पे भी और मन के तल पे भी, दोनों तलों पे सोए हो और आंख खुली है बाहर से। बात पकड़ पा रहे हो? तो इस समय शरीर के तल पे जागो, आंख खुली है तो क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं अभी बात करते करते हाथ को मैंने ऐसे किया, ये अपने आप हो गया मेरे हाथ की मुद्रा ऐसे, मैं सचेत हूं इसकी तरफ या अचेतन में हो रहा है ये सब, या मैं शरीर की तरफ रियली जागा हुआ हूं कि मेरे हाथों की इस समय मुद्रा, मेरे भौहों की मुद्रा इस समय ऐसी है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जान के कर रहा हूं ऐसा, ये अनजान में नहीं हो रहा, तो मैं शरीर के प्रति जागा हुआ हूं इस समय, और मेरा मन पूर्णतः यहां पे है, नोवेयर एल्स, मैं शत प्रतिशत इस समय यही हूं। तो मेरा मन और मेरा शरीर एक हो गया, एक हो गया का मतलब अलाइंड हो गया है, अलाइंड हो गया, खंड जो थे इनके, ये खंडों से मैंने इनको हटा के अखंड कर दिया, अब चेतना इस अखंड में जुड़ेगी, तो एक बहुत बड़े अखंड का निर्माण होता जाएगा, शरीर मन चेतना आत्मा जो भी आप शब्द और यूज करना चाहो, ये सब एक साथ आ गया, अखंड हो गया आदमी, पूर्ण हो गया आदमी, यह है पूर्ण मानव, यह है जाग जाना। खुली आंख की बात कर रहे हैं अभी हम, तो जीवन में दिन में जहां हो अपने तन और मन को वहीं अलाइन रखना चेतना के साथ, जिस कृत्य में हो जागते हुए अपने तन मन को, यानी अपने विचारों को अपने भावों को अलाइन रखना वहां पे। जब ये अभ्यास सतत होने लगेगा तो जागरूकता, जो रियल जागरूकता जिसको हम बोल रहे हैं, तो जागने लग जाओगे। अगर दिन में कुछ क्षण कुछ घंटे भी इस तरह से तुम जाग के जीने लगे, तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा मोहित। अगर कुछ क्षण तुम अगर 12 घंटे जागते हो दिन में या 14 घंटे जागते हो, उसमें से कुछ क्षण भी अगर तुम ऐसे जीने लगे, इसका रस तुम्हारे पूरे जीवन को आनंदित करने लगेगा। स्टार्ट फ्रॉम देयर, फिर बात करेंगे कि अब मैं रात की आंख बंद में कैसे जागूं, फिर उसकी बात करेंगे, फिर पीएचडी की बात करेंगे। हाँ, जल्दी नहीं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक अभ्यास को साध लेना सब सध जाएगा, ये रात वात को साधने की कोशिश करोगे दिन सधा नहीं, वो भी जाएगा, एक सधे सब सधे, एक साध लो, खुली आंख साधो, फिर बंद आंख भी सधने लगेगी अपने आप, पहले खुली आंख साध लो, साध लो, साध ही लेना उसको, सारा प्रयास उसके ऊपर ही, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। या विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडे सत्संग। जाने से पहले एक बार
सभी मित्र आंख बंद करके 1 मिनट के लिए बैठेंगे। हो सके तो रीढ़ को सीधी रखें, आंख बंद। एक लंबी गहरी सांस लें अंदर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस खींचें, छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस खींचें, धीरे धीरे छोड़ें। पूरे मौन में रहें इस समय। दृष्टा में रहें, सांस आ रही है जा रही है, आप पीछे बैठ के बस देख रहे हैं। देखते रहें, कोई शरीर की संवेदनाएं हो रही हैं, देखते रहें। और ये जो सभी बातें अभी हमने की, ये सत्संग की कलेक्टिव ऊर्जा, इस ऊर्जा को अपने भीतर, इन शब्दों को अपने भीतर गहरे जाने दें। मन के तलों से पार इन शब्दों, इन ऊर्जा को पूरा गहरे जाने दें। अपने साधु संग, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट को भीतर से गहन धन्यवाद का भाव देते हुए, नमस्कार करते हुए धीरे धीरे अब आंखें खोल सकते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाने से पहले एक बार सब अपना कैमरा स्क्रीन ऑन करें, कुछ सेकंड एक दूसरे के दर्शन करें हम सब इस कलेक्टिव ऊर्जा के दर्शन। बहुत सारे सुंदर प्रिय मित्रों को देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे। अभिषेक साथ में है, संजय जी साथ में है, मधुकर, बरखा जी, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं साथ में। ब्यूटीफुल, परम जी, विकास जी, सो ब्यूटीफुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ऊर्जा को इस ऊर्जा में मिला देने का। ये प्रोसेस बहुत कलेक्टिव का प्रोसेस है, और ये सिर्फ आप किसी व्यक्ति विशेष या मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये संपूर्ण का प्रोसेस है। इस पे संपूर्ण का अधिकार है, ये ना तुम्हारा है ना मेरा है, ये संपूर्ण का ही है और संपूर्ण तक ही जाएगा। इस भाव के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर जल्दी मिलेंगे आपसे, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी आपका, और सभी उपस्थित साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप सभी की तरफ से श्री जी को धन्यवाद दे ही देती हूँ, लेकिन अगर आपके भीतर भी कोई ऐसे भाव, कोई फीलिंग, कोई धन्यवाद का कोई सुंदर सा मैसेज अगर आपके भीतर भी आ रहा हो, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर भेजें। हम सभी मैसेजेस श्री अनीश जी के साथ शेयर भी करते हैं, तो और उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके जब प्रेम उनको मिलता है तो वो ध्यान से पढ़ते हैं हमारे सभी मैसेजेस। तो मन में ही ना रखें, अपने भाव को शेयर भी करें। और एक आज की छोटी सी एक अनाउंसमेंट है, श्री जी हमेशा ऐसा कहते हैं कि ये युग नाद का युग है, और नाद यानी कि साउंड के जरिए हम सच्चित आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आई थिंक आप सब जानते भी होंगे कि साधो में हमने एक साधो नाद नामक चैनल की शुरुआत करी थी 1 साल पहले, जिसमें हम मंत्रा, चैंट्स, मेडिटेटिव साउंड्स उस पे हम रेगुलरली रिलीज करते रहते हैं। तो उसी चैनल पर दीपावली के अवसर पर एक बहुत स्पेशल मंत्र श्री अनीश जी द्वारा ही कंपोज किया हुआ हम दिवाली पे रिलीज करेंगे, और ये चैंट उनके हृदय के बहुत करीब है। तो आप जरूर उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, और जैसे ही वो लाइव होगा आपको पता भी चल जाएगा। और एक और चैंट, ओम नमः आदि शक्ति शिवाय नाम का एक मंत्र हमने कुछ समय पहले रिलीज किया था। ये मंत्र बहुत बहुत साधकों को बहुत पसंद आ रहा है, और वो उनके बहुत अच्छे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, और उनको ऐसा वो कहते हैं कि उनको वो शिव और शक्ति की ऊर्जा से जोड़ भी रहा है। तो ये मंत्र भी आप जरूर सुने, और भी बहुत सारे चैंट्स हैं वो सुन सकते हैं आप हमारे चैनल पे। उसका लिंक आई थिंक अगर चैट पे शेयर हो पाए अभी तो हमारी टीम शेयर कर देगी। और अपने प्रश्न हमें भेजते रहें, रोके ना, अपने तक ना रखें, और बिल्कुल भी देरी ना करें। जितनी देर अपने पास रखेंगे उतनी देर लगेगी आपको भी उसका आंसर मिलने में। तो इस काम में कभी भी देरी मत करना, जल्दबाजी का काम है, जल्दी का काम है, ये समय पे कर लेने का काम है। और ये प्लेलिस्ट जो आज का सत्संग है, ये भी हम रिलीज करेंगे। इस सत्संग की वीडियो और पिछले हुए सभी सत्संग्स की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे रिलीज होती है। अभी के लिए बस इतना ही। आज का संडे वैसे ही आज बहुत सुंदर बन गया है, गुरु के हमें सानिध्य में रहने का मौका मिला और सत्संग से मिलने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर मिलेंगे अगले महीने अगले संडे को। तब तक के लिए जुड़े रहें, इसी तरह प्रेम बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।